नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरकार आज जो आश्वासन दी उसमें कितना खरा उतरेगी, और क्या सरकार ने जो आश्वासन दिया वो सच में है? क्या सरकार नियोजन नीति नया लाएगी? सरकार के बातों में कितना तो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, सभी चीजों पर आज विश्लेषण करेंगे और ये बताएंगे आज दिन भर में सरकार पर कितना प्रेशर पड़ा या फिर सरकार ने चीजों को टाल दिया। पूरे आंदोलन का रूपरेखा और एक एक चीज पर बारीकी से अध्ययन करके बताएंगे कि आज का विश्लेषण के बारे में। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सरकार ने लॉलीपॉप दे दिया या फिर सरकार दबाव में आकर झुक गई और वो जल्द से जल्द 15 दिनों के अंदर वह एग्जाम ले लेगी। स्टूडेंट की ओर से जो डिमांड रखा गया था उस डिमांड को सरकार ने बहुत चतुराई से कैसे घुमा दिया ये भी आपको बताएंगे। बातचीत करने के लिए जो टीम गई थी उनके साथ जो बातचीत किया गया वहां के का भी विश्लेषण करेंगे कि इसमें सरकार की नीति क्या है और उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। स्टूडेंट की ओर से ये बोला गया था कि 5 साल की उम्र में छूट दिया जाए। सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि वो 5 साल तो नहीं, 3 साल तक का छूट मैक्सिमम देंगे, यानी कि 2 से 3 साल का। लेकिन आप अब समझ लीजिए कि अगर वैकेंसी 2023 में नए सिरे से आती है तो 2023 से अगर 3 साल की छूट सरकार बोलती है तो वह 2020 होता है। यानी कि सरकार ने बहुत चतुराई से इस पूरे मामले को इस प्रकार से घुमा दिया कि जिससे नुकसान स्टूडेंट को होगा। इसलिए मेरा मानना है कि छूट कम से कम 7 से 8 वर्ष का होना चाहिए ताकि जो उम्र चला गया है वो सिर्फ कोरोना काल का चला गया ऐसा नहीं है। तर्क देते समय स्टूडेंट की टीम को ये बोलना चाहिए था कि ये कोरोना काल की बात नहीं है, आप परीक्षा रेगुलर नहीं ले रहे हैं, वह समय भी हमारी जिंदगी का ही टाइम है, इसलिए वो समय भी जोड़ करके देना होगा। और डिमांड अगर स्टूडेंट 7 से 8 वर्ष का करेंगे तो उसे 5 वर्ष तक की छूट निश्चित मिल जाएगी, लेकिन डिमांड ही अगर आप 4-5 वर्ष का करेंगे तो सरकार 2 से 3 वर्ष से ज्यादा नहीं देगी। सरकार की ओर से देर शाम को बयान आया, ढेर सारे यूट्यूब चैनल ने भी आज दिखाया कि सरकार नियोजन नीति पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। आपको याद होगा कि सबसे पहले कल शाम के विश्लेषण में हमने एक खबर ब्रेक किया था कि सरकार नियोजन नीति पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। अधिकांश लोगों ने इस पर सहमति जताई थी कि विनय सर का विश्लेषण है तो सही ही होगा, लेकिन कुछ लोगों ने कल बहुत सारे निगेटिव कमेंट भी लिख दिए थे कि इनके न्यूज में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, ये गलत बोलते हैं, सरकार ने कब बोला, किसको बोला, कहाँ बोला, सारे सबूत दीजिए। लेकिन आज देखिए, आज 24 घंटे के बाद, हमारे इस न्यूज को दिखाने के 24 घंटे के बाद तमाम लोग, तमाम अखबार, चाहे वो राष्ट्रीय मीडिया हो, स्टेट लेवल मीडिया हो, आज उन्होंने दिखाना शुरू किया है शाम को कि हेमंत सोरेन ने कहा है कि वो नियोजन नीति पर नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट। यानी कि हमारी जो खबर थी वो पक्की थी और आपकी उम्मीदों पर फिर से खरा उतरे। सरकार की एक कॉन्ट्राडिक्शन को समझाते हैं। एक और गवर्नमेंट ने कहा है कि हम पुराने फॉर्म पर ही परीक्षा ले लेंगे। दूसरी ओर जो जो पुराना वैकेंसी था उसको रद्द करने की घोषणा के लिए भी हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। तीसरी चीज कि जब सर्टिफिकेट पॉलिसी आप नए सिरे से लाइएगा तो नियोजन नीति सरकार को नहीं पता कि वो खतियानी आधारित बनाएगी, बिना खतियानी आधारित बनाएगी। और आज हेमंत सोरेन ने इस चीज को मान लिया कि उनकी नियोजन नीति गलत थी और ये गलती का खामियाजा स्टूडेंट भुगत रहे हैं। उन्होंने कल कहा था कि विकल्प पर बात करेंगे और आज उन्होंने कहा कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। यानी कि 5 लाख नौकरी का वादा उन्होंने कहा था लेकिन कब करते हैं ये उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने ये भी कहा कि वो जो भी करेंगे वो हिम्मत वाली बात होगी। लेकिन आज स्टूडेंट के बीच हमने स्लोगन सुना कि हिम्मत है हेमंत है तो हिम्मत है के स्थान पर हेमंत है तो दिक्कत है। स्टूडेंट आज काफी नाराज थे। इसको कंट्रोल करने के लिए अंत समय में जिन विधायकों की टीम को भेजी गई, आपने देखा होगा इनका पूरे कैबिनेट में कितना दबदबा है, ये आपको भी पता है। यानी कि जिन विधायकों का
सबसे ज्यादा चलनती है, शिक्षा मंत्री को इसमें होना चाहिए था, दूसरे मंत्रियों को होना चाहिए था, लेकिन आज हमें ऐसा लगता है कि सरकार ने अंत में विधायकों की एक टीम को भेजकर खाना पूर्ति कर दिया। उसी समय पर कई सारे स्टूडेंट हमसे बोलने लगे कि ये खाना पूर्ति किया जा रहा है, ये लॉलीपॉप है। हालांकि अमूमन सरकार अगर बहुत संवेदनशील होती तो अपने मंत्रियों को भेजती, और जो खास तौर पर वैसे मंत्री जिन्हें माना जाता है कि वो सरकार में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, जैसे कि जगन्नाथ महतो की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मिथिलेश ठाकुर जी की इंपॉर्टेंट होती है, बन्ना गुप्ता जी का इंपॉर्टेंट होता है, कम से कम अपने मंत्रियों को भुक्ता जी का इंपॉर्टेंट होता है, कम से कम किसी भी मंत्री को आज भेजना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं सरकार को डर तो था कि स्टूडेंट का आंदोलन बहुत बड़ा है, लेकिन सरकार को यह भी पता था कि नेतृत्व यहाँ पर कोई कैडर वोट वाला नेतृत्व नहीं है, और इस नेतृत्व में अलग अलग बहुत सी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अगर नेतृत्व एक हो जाए तो हमें लगता है कि सरकार जरूर से सुधरेगी, समझेगी और उन पर दबाव बनेगा। आपने देखा होगा कि जहां जहां पर भी आंदोलन होता है, चाहे वो अन्ना हजारे का हो, अरविंद केजरीवाल का हो, किरण बेदी का हो, आंदोलन में एक डिसिप्लिन जरूरी हो जाती है, वहां पर लोगों को अपने नेतृत्वकर्ता का बात मानना जरूरी हो जाता है, और अगर आप इस डिसिप्लिन को लेकर के चलते हैं तो निश्चित रूप से आंदोलन सफल होता है, एक डिसिप्लिन भी नजर आता है और सरकार पर बहुत बड़ा दबाव पड़ जाता है। लेकिन जब पहले से कोई प्लानिंग नहीं होती है, स्पॉट पर जाकर के, जैसे अंदाजा करें कि आपने कोई फंक्शन अरेंज किया है और उस फंक्शन में कितने लोग आएंगे आपको पहले से कोई अंदाज नहीं था, और अचानक से लोग आ गए तो आपको ये पता नहीं चल पाता है कि फिर हम इसमें करें तो क्या करें, पहले किस चीज़ की शुरुआत करें, पहले कौन सा चीज़ होगा। तो ये हमें लगता है कि इस गलती से सीखकर आने वाले समय में जो हमारे छात्र नेता हैं, उन तमाम लोगों से हमारा अनुरोध होगा कि वो चंदा से ज़्यादा फोकस माइक्रो मैनेजमेंट पर करें, वो ज़्यादा ध्यान दें माइक्रो मैनेजमेंट पर, कि जिससे जो दूर दराज से जो बच्चे आते हैं उनको दिक्कत किसी प्रकार का नहीं हो, और उनके साथ उनको लगे कि नहीं अगले बार भी हम इस आंदोलन में आएंगे तो इससे क्या होगा, सकारात्मक भूमिका होगी। लेकिन जब किसी को कुछ पता ही नहीं रहता है कि उन्हें करना क्या है, तो वो अपने से जो मन में आता है वो करेंगे ही, और ये बाद में नेतृत्व करने वाले के लिए दिक्कत हो जाती है और इसका फायदा सरकार उठाती है। सरकार को ये लगता है कि चलो अब आसानी से हम इस मूवमेंट को दबा देंगे, लेकिन झारखंड की सरकार को याद रखना होगा कि स्टूडेंट जो है वो नेता बनने नहीं आए हैं, स्टूडेंट आंदोलन करने नहीं आए हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ रोजगार चाहिए। आप नौकरी दीजिए, नियोजन नीति बनाइए, कोई स्पष्ट चीज। आज जो बैठक हुआ उसमें विधायकों ने नहीं बोला, उन्होंने ये नहीं बोला कि हम डेडलाइन दे रहे हैं, डिमांड 15 दिनों की हो रही थी, लेकिन विधायकों की ओर से निर्देश आया कि 3-4 महीने के अंदर हम लोग एक बना सकते हैं। तो एक प्रकार से इसको समझिए, इस गणित को समझिए, ये दिसंबर का अंतिम पखवाड़ा चल रहा है और इसके बाद जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि मार्च महीने में अगर नियोजन नीति फिर से नई आती है वो कितना सही होगा वो उस समय में पता चलेगा। उसके बाद अप्रैल, आप देखिए अप्रैल मई तक फिर वही दिक्कत आएगी, ये हटाओ वो हटाओ। तो हमें लगता है कि इसको दो प्रकार से लेकर चलना चाहिए, जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं वो माइक्रो लेवल मैनेजमेंट कर लें, स्वयं से जाएं, पहले 5 लोगों की ही टीम जाइए, आप लोग जाकर के सरकार से सीधा बात कीजिए, टाइम लीजिए, मुख्यमंत्री से मिलने का समय लीजिए, और इसमें इतना मान लीजिए कि मुख्यमंत्री को ही कन्विंस करने की जरूरत होगी। आप देखते होंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संवाद होता रहता है किस प्रकार का, आपको कोशिश करना है कि मुख्यमंत्री के तक जाएं अपनी बात को, 5 लोग, जो 5 लोग जो वहां पर तर्क दे सके। वैसे देखिए इसमें ये जरूरी नहीं है कि फलना एग्जाम वाला ही जाएगा, फलना वाले नहीं जाएंगे, फलना जो एक बार चला गया दोबारा नहीं जाएगा, ये भी नहीं होना चाहिए। वहां पर एक तर्क देने के लिए जो आपके पास अच्छे अच्छे लोग हैं उनको लेकर के आप जाइए, और उन लोगों को एक एक पहले से एक ड्राफ्टिंग होती है, एक बातचीत किया जाता है, वहाँ जब जाते हैं उसी समय में सोचिएगा, ये हुआ कि बिना तैयारी का परीक्षा लिखना,
और एक होता है कि आप पहले से ये चीज को सोच कर गए हैं कि हमें जब बोला जाएगा तो हम इन चीजों को बोलेंगे, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो इस चीज को थोड़ा समझना होगा, और हमें लगता है कि सरकार पर दबाव बना है, और लेकिन एक बार हम ये उम्मीद करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे हमारे उन नेताओं से जो लोग इसको लीड किए, जिन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया, कि वो एक बार फिर मुख्यमंत्री से मिलने का, सिर्फ 5 लोग, इतना भीड़ लेकर भी नहीं जाना है, आप पहले जाकर के अपनी बात रखें और वो बताएं कि ये चीजें हैं और ये स्टूडेंट का दर्द है, उस दर्द को जाकर के बयां कीजिए। हर कोई अपना दर्द बताने के लिए मुख्यमंत्री के पास जाना जरूरी नहीं होता है, अगर आप वहां पर जाकर के बताएंगे, उनको समझाएंगे, तो बात बनेगी जल्दी, और फिर से नया आंदोलन खड़ा करके जाएंगे, हमें लगता है तब तक फिर टाइम लगेगा। तो इसको चुप नहीं रहना है, बल्कि आप एक बार कल फिर से एक बार वो 5 जो लोग गए थे, हम उन 5 लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार फिर से कोशिश करें मुख्यमंत्री के पास जाने का, क्योंकि जब हम वहां पर पहुंचे उस समय तक जो माहौल था, फिर हमने सबसे पहले प्रशासन से बातचीत शुरू कर दिया, तो उन्होंने यही चीज को बोला हमें कि आप पहले पहले एक टाइम ले लीजिए ना, मुख्यमंत्री जी मिलने के लिए तैयार हैं, आप 2 दिन पहले आइए, टाइम लीजिए, और फिर आप मुख्यमंत्री जी को अपनी बात बताइए। ऐसे मुख्यमंत्री जी तो नहीं मिलेंगे ना, उन्होंने इस प्रकार से समझा, अच्छे तरीके से एसडीओ थे, अच्छा तरीका से ही बात कर रहे थे। तो हमें लगता है कि इसको थोड़ी अलग अलग नेताओं से भी रिक्वेस्ट करेंगे, ईगो में नहीं लेना है, बल्कि चीज़ों को समझना है, और स्टूडेंट के हित के लिए अगर आगे आए हैं तो इसको करना पड़ेगा, और सरकार को ये बताना पड़ेगा कि देखिए आप जो नियमावली फिर बनाइएगा, आप जो एज की बात कर रहे हैं, कंप्लीट आप मतलब एक प्रकार से घुमा दे रहे हैं। हम लोगों ने डिमांड किया 8 वर्ष का, वहाँ तक मैटर चला गया 5 वर्ष का, और सरकार उसको 3 वर्ष का समझ बैठी, तो कितना अंतर हो जाता, 5 साल आपके चले जाएंगे, 23 में वैकेंसी आएगा, मतलब नए सिरे से होगा, तो आप सोचिए फिर क्या काउंटिंग होगी, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, ये भी तो एक समस्या है। तो एक क्लियरिटी हो, पहले वो जो 5 लोगों की टीम है, 6 लोगों की टीम है, जो लोग गए थे वहां पर, उनको एक बार बैठना चाहिए आपस में, और एक पूरे पूरी ग्राउंड लेवल पर वर्क करके, और तब फिर जाइए तर्क के साथ वहां जाइए, क्योंकि आप देखते होंगे जब कोर्ट में भी मैटर जाता है तो वहां पर ऐसा नहीं चलता कि कोई कुछ भी बोल रहा है, आप देखे होंगे कि वहां पर भी सिर्फ तर्क पे बात होती है, बहुत सारे लोग केस लड़ रहे सुप्रीम कोर्ट में, आपके मित्र, आप पूछिएगा उनसे कि सिर्फ तथ्य क्या है, आपके पास तर्क कितना स्ट्रांग है, उस लास्ट मोमेंट में वही देखा जाता है। तो जब आप वहां जाते हैं तो वो उतने चीजों को लेकर के जाएंगे, तो हमें लगता है कि ज्यादा अच्छा होगा, और दूसरी चीज की मीडिया में कौन बोलेगा ये मायने नहीं रखता, जो चीजें अमूमन होती है कि अलग अलग श्रेणी में बच्चे बट जाते, कोई किसी का बात नहीं मानना चाहते, कोई और जाकर के बोल रहा है, कोई और किसी को बोल रहा है, कोई कहीं पर जा रहा है, एक ऐसी प्लानिंग करके नेतृत्वकर्ता को आगे आना चाहिए जिसमें इस प्रकार के किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, और उम्मीद करते हैं कि हेमंत सोरेन जी जल्द ही, हमने ये उम्मीद किया था कि रात 8 बजे तक वो घोषणा करेंगे, आज प्रेशर के बाद में कि जो हमने 5 बजे का विश्लेषण था हमारा, कि वो वैकेंसी के बारे में बोलेंगे, ये बोलेंगे कि जो परेशानी हुआ है, बट उन्होंने सिर्फ एक चुनावी टाइप का बोल दिया कि ठीक है हम सोचेंगे, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, हम हिम्मत वाले हैं, हमारा सीना चौड़ा है, इस टाइप के जो डायलॉग होते हैं। तो अभी तक जो चीजें आनी चाहिए थी निचोड़ के रूप में, और कल जो हमने बताया था 24 घंटे पहले ही कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सरकार, ये एनालिसिस में हमने पहले ही बता दिया था, जो कि पता ही चल रहा था कि नहीं जाएगी, बट नियोजन नीति कब तक बनाएगी ये स्पष्टता नहीं दे पाई सरकार। उम्मीद करते हैं कि कल तक का भी मौका है सरकार के पास में कि वो जरूर से दे, और ये जरूर से लिखिएगा, सरकार ने जो आश्वासन दिया क्या वो सिर्फ आश्वासन है या फिर इसे पूरा कर देगी, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।